नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। प्रधानमंत्री द्वारा गरीब जन कल्याण योजना में किया गया निःशुल्क राशन वितरण। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण पूरे भारत में 7 अगस्त 2021 दिन शनिवार को हितग्राहियों को अनाज वितरण प्रारंभ किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भुवन अवधिया द्वारा बताया गया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना जैसी महामारी के दौरान सारी व्यवस्था चौपट हो चुकी थी। मजदूर काम पर नहीं जा सकता था, व्यापारी अपनी दुकान बंद किए हुए थे, व्यक्तियों को खाने पीने में बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। और भी आगे क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सिवनी से विमल। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सिवनी से विमल चौबे की रिपोर्ट। सेवा सहकारी समिति आदिगांव में आज 100 हितग्राहियों को निःशुल्क राशन वितरण करना है और यह काम निरंतर चलते रहेगा। प्रति दिन उसमें 25% वृद्धि करके 25% लोगों को जो इसमें पात्रता रखते हैं उनमें से 25% लोगों को बुला के उनको विधिवत यह अनाज दिया जाएगा, जिससे कोरोना जैसी महामारी में लोग पलायन न कर पाए और गरीब परिवार अपना घर। सर, ये हितग्राहियों को कितना अनाज दिया जा रहा है आप लोगों द्वारा? 5 किलो प्रति सदस्य। अच्छा, और ये कब तक दिया जाएगा? ये हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि नवंबर माह तक निःशुल्क राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति जाएगा। किन किन हितग्राहियों को दिया जाएगा श्रीमान जी? ये 75 वर्षधारी व्यक्ति है। अच्छा, क्या उद्देश्य इसका? इसका उद्देश्य कोरोना को लेकर जो लोगों में समस्याएं आई है, मजदूरी की, काम की, व्यापार की, आर्थिक रूप से कमजोर न हो, काम के लिए तो पर्याप्त मात्रा मिलता रहे। आपका शुभ नाम? उनका साथ मित्र विक्रेता आ जाएगा।